दिस इज पहल फ्रॉम पहल क्रिएशन और अभी मैं आपको अपनी छत दिखा रही हूँ शायद से फिर से तो आज देखो आज एक्चुअली छत नहीं दिखा रही, आज मौसम बड़ा अच्छा है और देखो कितनी धूप निकल रही है। देखो धूप निकली है जो कि ये बारिशों का मौसम है और सब सूख गया। देखो जमीन सूखी हुई है एकदम सूखी, यहाँ काई थी, काई जो पे पैर पड़ जाए लगता है जैसे पानी पे पैर पड़ गया, पर वो काई सूखी हुई है अभी। वैसे अभी अच्छा रहेगा तो ये काई साइड हो जाए तो फिर इससे क्या होगा, यहाँ पे काई नहीं आएगी और नई काई आएगी। और इतनी देर से हवा चल रही है कि ये देखो ये पत्ता टूट चुका है, वो पत्ते देखो टूटे मतलब वैसे नहीं टूटे, बस ये इसके जो पत्ते लीव है वो ऐसे फट गए हैं। ये देखो यहाँ पे मैं बैठी थी बड़े डर ये तार लगवा दिया अभी, इस वजह से मैं बैठी थी पत्ती सारी से। ये टंग गया, अब कुछ दिखाती है। ये देखो देखो ये मेरी कुर्सी है, एक्चुअली ये एक बर्तन है, पता नहीं क्या बोलते थे, भूल गई, मटके के रहता है लोहे का वो है ये, और बट वो अभी मैं उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया, मैं उस पर बैठती हूँ। ये कुर्सी है ये एक टाइप की, देखो ईजी है। और ये टंकी जो है मेरे को गर्मी में जब मैं ऊपर होती हूँ और मेरे को पानी पीना होता है तो ओ पानी कह रही हूँ पीना होता है कह रही हूँ ना मुँह धोना होता है तो मैं क्या करती हूँ, और तब मोटर चल रही हो तो देखो कैसे इसमें से निकल जाता है और वापस इसमें चल भी जाता है, तो इससे पानी निकल भी सकता है और आ भी सकता है मेरे को, तो वो पानी लेती हो और देखो निकलना इससे पहले वो देख लिया। हे क्या तुम मेरी वीडियो बना रही हो, डिलीट इट राइट नाउ। हाँ ये मेरा टाइम पास है, एक्चुअली लगता है कि आज मैं दिखा रही हूँ कि मैं छत पे क्या क्या करती हूँ। और ये देखो ये पहले मैं यहाँ पे बहुत अच्छा था, ऐसे ऐसे झूला झूलती थी, बड़ा मैं इससे दूर भागती हूँ या फिर डरती हूँ, पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर मधुमक्खियों का छत्ता है, वो भी आम मधुमक्खी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी देखो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी और ब्लैक कलर की मधुमक्खियाँ उसमें रहती है, और जब उड़ती है तो जब भी वो मिलती है मेरे को मैं भाग जाती हूँ। एक बार क्या हुआ था, मैं यहीं पे थी, क्या हुआ मैं देखा सामने सामने मिली थी, मैंने मिली को ऐसे करके उसको वहाँ ऊपर तक चढ़ा दिया, तो क्या उसको यहाँ तक जाए, तो मैंने कहा वो भी वो यहाँ तक कैसे आएगी, अब तो वो बीच में पड़ गई और वैसे तब मिली ना छोटी थी तो इसलिए, तो मैंने ऐसे ऐसे किया वो थोड़ा आ गई, तो फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाया और ऐसे ऐसे किया आगे तो वो आ गई, फिर मैंने उसका एक हाथ पकड़ लिया और ऐसे खींचा तो उससे मेरे को पंजा मार दिया था कि उसको लग रहा था कि मैं डर गया है, तो इस वजह से डर कि मैं उससे छोड़ दूँगी तो वो गिर जाएगी ना, तो इस वजह से उसने मेरे को पंजा मार दिया, जब भी पकड़ के रखा क्योंकि वो छोड़ दी तो सच्ची में उसके लिए मैं विलन बन जाती। और मेरे को किसी के लिए विलन बनना नहीं है। और ये देखो इसका एक किस पर रहती हूँ, पहले ना ये सब खाली थे तो ये जो है ना इसके अंदर ना मेरी पॉटी करती थी जब ये खाली था, और अभी ये बढ़ चुका है, मैंने कहा अच्छा अब मिली नहीं कर पाएगी। येलो वेरा है, ये भी येलो वेरा, और शायद से ये तुलसी है, मालूम नहीं ये तुलसी है या फिर क्या है, ये तो एलोवेरा है, ये भी एलोवेरा है, हमारे घर पे ना दिल्ली में बहुत सारे एलोवेरा है, ये जंगली घास जंगली मालूम नहीं ये जंगली है कि नहीं। अब वो देखो कितने बड़े बड़े मनी प्लांट के पौधे पत्ते हैं, कितने बड़े है देखो कितने, देखने में अभी वीडियो में तो इतने से लग रहे हैं है ना, बट रियलिटी में इतने बड़े है भाई, इतने बड़े है मैं सोच नहीं सकते, एक आम पत्ते से तो बहुत ज्यादा बड़े है। और देखो
इस पे अभी धीरे धीरे ये बेल चल रही है, फिर धीरे धीरे पूरी चल जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये रोल्ड है। अभी मैं इसको इसमें से निकाल रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे पहले झूला था, इसका पकड़ती थी ऐसे 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 खेलती थी और मज़े से हो जाते थे, और अब इसको निकाल दिया और अब मैं इसे दोबारा वापस लगा दी। लग जा, लगा दिया। वो सामने वो आया कोई गेस्ट, तो अपनी वो यूनिकॉर्न की ट्यूब लाए। नहीं नहीं सर, यूनिकॉर्न नहीं, एलोकॉन। एलोकॉन है जो उड़ भी सकता है और इसके सिंग होते हैं वो यूनिकॉर्न एलोकॉन होता है। इसके पास से विंग्स होते वो होता है पेगासस, और फिर होता है पोनी। पेगासस नहीं है, ना ही पोनी और ना ही यूनिकॉर्न, ये चौथा है। यानी कि पोनी, यूनिकॉर्न और पेगासस तीनों का मिक्स वो है ये एलोकॉन। पोनी देखो, यूनिकॉर्न जो होता है वो यूनिकॉर्न में हॉर्न और वो पोनी दोनों है, तुमको मिला के यूनिकॉर्न। पेगासस में पोनी भी है और ये भी है पेगासस, तो ये है एक एलोकॉन, रेनबो एलोकॉन। और देखो अभी धूप चली, ये सही है यार, कभी अगर ऐसे धूप आ जाती है, कभी अचानक से छाव आ जाती है, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी बारिश होती है, कभी वो गर्मी हो जाती है इतनी कि पसीने आ जाए, और कभी वो बहुत तेज हवा चलती है। ये मुझे सही नहीं लगा, दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। वो देखो पानी इतना ऊँचा, इतना भर चुका है, इतना भर गया वहाँ नदी में, सामने सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना भरा है। मेरे हाथ में लग गई, सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, हैव यू एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट, गुड बाय।